Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing great and hope you guys are doing safe. I'm back with another video. आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ गाइस ऐसी एक चीज के बारे में जिसे आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं ट्रैवलिंग में, जब आपको बैकग्राउंड बड़ा थोड़ा चाहिए होता है और या फिर आपको ग्रुप फोटो चाहिए होती है और आप उसको अपने फोन के साथ अटैच कर सकते हैं और आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या एक्सपेंड कर सकते हैं। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर आपने गेस नहीं किया तो मैं बता देता हूँ, एक सेल्फी स्टिक, जो कि एक सेल्फी स्टिक है, सेल्फी ट्राइपॉड है यानी कि 2-in-1, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने कैमरा के साथ, DSLR, एक्शन कैमरा, GoPro या फिर आपका फ़ोन, तो वो होगी 3-in-1। एक्चुअली गाइस आई वाज लुकिंग फॉर अ सेल्फी स्टिक जिसे मैं अपने एक्शन कैमरा के साथ, अपने DSLR के साथ एंड अपने फ़ोन के साथ यूज़ कर सकूँ। सो अमेजन पर मैंने सर्च किया और थोड़े बहुत सर्च के बाद ये अमेजन चॉइस प्रोडक्ट मैंने वहाँ से मंगाया। तो मैंने इसको अनबॉक्स ऑलरेडी कर लिया बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। तो इस पैकेट में था ये एंड उसके बाद स्माइल ड्राइव कंपनी का है ये गाइस, ठीक है। तो इसको मैं फटाफट अनबॉक्स तो मैंने कर ही लिया, बस खोल देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे का ऐसे पैकेट के अंदर था, मैंने इसे वापस जाकर बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू गाइस तो कैसा था ये अंदर से। तो गाइस अगर आप इसके साइज़ को देखें तो देखिए कितना कॉम्पैक्ट है ये गाइस, ये आपकी पॉकेट में भी फिट आ सकता है बहुत ईजीली, राइट। ये जो चीज़ है ये इसके साथ है, इसका रिमोट है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो गाइस ऐसे इसकी लेग्स खुल जाती है नीचे, राइट। तो अगर आपको इसे एक छोटे से ट्राइपॉड की तरह यूज़ करना है, फिर बड़े ट्राइपॉड की तरह इसको एक्सटेंड करके वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसको एक छोटे ट्राइपॉड की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे रख दीजिए नीचे यहाँ पर बेस पे, और उसके बाद ऊपर यहाँ पर गाइस स्क्रू है एक, राइट। अगर आप अपने एक्शन कैमरा को देखें गाइस तो यहाँ पर नीचे स्क्रू होता है, ठीक है। DSLR में भी ऐसा होता है और एक्शन कैमराज में मोस्टली में ऐसा आजकल आने लगा है। तो आप उसको डायरेक्ट यहाँ पर से करके देखिए, तो उसको डायरेक्ट यहाँ पर आप ऐसे करके फिट कर सकते हैं और फिर ये जो मूव जो नीचे वाला स्क्रू ये मूव होता है किसी भी डायरेक्शन में, राइट। तो आप इसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अगर आपको नीचे चाहिए नीचे कर सकते हैं, ऊपर चाहिए ऊपर कर सकते हैं, पीछे ये इतना ज़्यादा हो जाता है गाइस। अब ऐसे शूट अगर सपोज सेल्फी स्टिक आपकी ऐसे है तो आप इसको शूट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर इस स्क्रू से आप यहाँ से टाइट कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ गाइस इसकी लेंथ कितनी है सबसे पहले। तो अगर हम इसे ये देखिए गाइस, ये इसकी मैक्सिमम लेंथ है, तो इतनी इसकी लेंथ है गाइस। आई थिंक इट्स इनफ, अगर किसी को कुछ पिक्चर लेनी है, कुछ शूट करना है तो इट्स मोर देन इनफ, राइट। अब उसके बाद मैं इसकी क्वालिटी के बारे में बात करता हूँ गाइस। यहाँ पे वाइट वायरिंग जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक की है, उसके बाद जो ये है ये मेटल का बना हुआ है गाइस। एंड गाइस अगर आप इसे पकड़ेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ ख़राब क्वालिटी का है, राइट। ये बहुत स्टडी लगता है आपके हाथ में। दूसरी बात इसकी जो आप एक्सेसरीज की बात करें, जैसे ये स्क्रू हो गया और उसके बाद ये ऊपर वाला इसका जो होल्ड जहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है जो होल्ड करता है कैमरा को वो हो गया, या फिर आप बात करें हमारे इस हैंडल की जो नीचे दिया हुआ है, इन्होंने अच्छी क्वालिटी की ये सब चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं और अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक या फिर मेटल जो भी यहाँ पे यूज़ किया गया है, उसके बाद ही आपका रिमोट होल्डर है यहाँ पर। तो अब मैं इसके साथ आपको बताता हूँ मुझे और क्या क्या मिला है। एक चीज़ मैं आपको रिमोट बता ही चुका हूँ, राइट। गाइस ये एक्सेसरी है एक एक्शन कैमरा की, जैसे वो उसके कई बार क्या होता है जैसे ये वाली जो नीचे वाली चीज़ है गाइस, ये जो एक्शन कैमरा के केस के साथ नीचे लगी हुई है, इसके नीचे एक स्क्रू होता है, यहाँ पे भी इन्होंने ये एक एक्स्ट्रा हमें इसके साथ दी है, राइट। तो बेसिकली एक्शन कैमरा के साथ मिल जाती है अगर आप लेते हैं। और दूसरी चीज़ हमारे पास है केबल जो इस रिमोट को चार्ज करेगी, ठीक है। और थर्ड थिंग हमारे पास है ये हमारा फ़ोन का होल्डर, इससे आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ज़्यादा सेल्फी स्टिक में क्या होता है, जो हमारा होल्डर आता है तो उसमें स्प्रिंग होती है, अगर आप फ़ोन यहाँ पे लगाते हैं तो वो वापस से उसके ऊपर प्रेशर डाल के वहाँ फिट हो जाता है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर उन्होंने स्क्रू दिया है, आई मीन ये एक अच्छी चीज़ भी है ख़राब चीज़ भी है, क्योंकि कई बार जो स्प्रिंग वाला होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है आपके फ़ोन के ऊपर, उससे आपके फ़ोन की साइड जो होती है वो टूटने का थोड़ा सा खतरा रहता है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर आप हल्का भी एडजस्ट कर सकते हैं और सॉलिड भी, ये भी गाइस क्वालिटी में काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे देखिए फोम है, जहाँ पर आपका फ़ोन होल्ड होगा तो आपके फ़ोन के ऊपर ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं अपने फ़ोन को इस ब्लूटूथ रिमोट से कनेक्ट करता हूँ। तो आपको करना क्या है गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑन कर लेना है, इसे यहाँ पर बटन दिया है
ऑन ऑफ का बटन दिया है, जब आप ऑन कर लेंगे तो ऐसे लाइट ब्लिंक करेगी, ठीक है। अब ये पेयरिंग मोड में आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर जाना है और आपको अपने फ़ोन के अंदर जाके ब्लूटूथ ऑन करना है, ठीक है। जैसे आप ब्लूटूथ ऑन करेंगे और आप डिस्कवर करेंगे आइटम्स को, तो जैसे गाइज आप डिस्कवर करेंगे, ये यूम टैंक करके अगर आप देख पा रहे हैं, यूम टैंक करके ये दिखाएगा, इसका नाम है यहाँ पर लिखा यूम टैंक, ठीक है। तो उसको आप कनेक्ट कर लेना है आपको, ओके। तो गाइज जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा, इसकी जो लाइट है ब्लिंक ये वो बंद हो जाएगी, दैट मीन्स इट्स कनेक्टेड, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इस रिमोट को यहाँ पे इसके जो होल्डर है उसके अंदर आपको फिट कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप अपने फ़ोन में अपना कैमरा ऑन कीजिए नॉर्मल, एंड इस होल्डर को आप जो हमने यहाँ पर लिया था ये अपने कैमरे में आप फिट कर दीजिए ऐसे। आप अकॉर्डिंग टू योर फोन का जो साइज है उसको एडजस्ट कर लीजिए, और ध्यान दीजिएगा कि जो बटन्स हैं, जैसे आपका वॉल्यूम रॉकर जो और जो पावर बटन हो रहा है वो ये इससे दूर रहे थोड़ा सा, क्योंकि फिर वो प्रेस हो जाएंगे। अब ये गाइस सेट हो गया है यहाँ पर, मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर लगा दिया है। अब मैं इसको इसके अंदर टाइट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब गाइस कई बार क्या होता है, अगर आप स्क्रू को टाइट करते हैं या यहाँ पर करते हैं तो कई बार कैमरा ऐसे आता है, बट यू वांट कि वो सीधा आए, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे घूमती है, मैंने आपको पहले दिखाया था, ठीक है। तो आप इसको अकॉर्डिंग टू दैट सेट करके यहाँ पर स्क्रू को टाइट कर दीजिए, राइट। अब अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अगर आपको कैमरा ऐसे लेना है या फिर आपको सीधा रखना है, जैसे भी मैं थोड़ा सा टिल्ट लूंगा एज अ सेल्फी स्टिक जैसे जो लोग यूज करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ, ठीक है। अब घुमाने के बाद ठीक है गाइस ऐसे सेट हो जाएगा, और इसको यहाँ पे आप जो ये स्क्रू है उसको टाइट कर दीजिए। ठीक है गाइस, अभी देखिए सेट है, अभी बिल्कुल नहीं हिल रहा है, ये प्रॉपरली सेट हो गया है। फ्रंट कैमरा में ऑन कर देता हूँ, देखिए गाइस ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पर। और मैं आपको एक फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पर इसको रखिएगा और ऐसे आप बटन दबाएंगे तो फोटो क्लिक, ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आप इसको ऐसे देखें और ये बटन दबाएं तो फोटो क्लिक, राइट। You can hear the sound as well. Okay. तो guys, काफी अच्छा ये रिमोट का फीचर है, और इसे आप वीडियो भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाय द वे आपको वीडियो मोड में जाना है यहाँ पर, ठीक है, वीडियो मोड में जाना है यहाँ पर, और ये प्रेस कर देना है ये बटन। तो देखिए गाइज अभी वीडियो बन रही है, ये देखिए गाइज वीडियो बन रही है अभी, ठीक है। तो और इसको अगर आप दोबारा प्रेस कर देंगे तो ये वीडियो हो जाएगी हमारी बंद, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है गाइज, आई मीन जो दूसरे वाले होते हैं वो वायर्ड होते हैं और आपको वायरिंग की प्रॉब्लम रहती है। एंड इसके अंदर एक चीज़ और भी बहुत अच्छी है, सपोज आपको स्टैंड पे लगाना है, राइट। एक और अच्छा इसका फीचर मैं आपको बता देता हूँ, इसको खोल लीजिए यहाँ पे, ओके। नाउ अगर आपको एज अ स्टैंड यूज़ करना है इसको, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने नीचे इस पे रख दिया है हमारा फ्लोर के ऊपर, एंड ये देखिए एज अ स्टैंड भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और जो रिमोट है इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो, बंद कर सकते हैं वीडियो, ठीक है। एंड आप अगर आपको फ़ोटो क्लिक करनी है तो आप फोटो वाले मोड में जाकर फोटो आप क्लिक कर सकते हैं, ये देखिए। काफ़ी अच्छा फीचर है गाइज ये रिमोट वाला, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो इसकी क्वालिटी है गाइज, वो क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे लगी, जो हमारा जो इन्होंने प्रोडक्ट्स दिए हैं सारे, ठीक है, हल्के भी हैं एंड सॉलिड भी हैं। और दूसरी चीज़ गाइज, आप इसको चार्ज कर सकते हैं अपने रिमोट को इसके साथ, हम इन्होंने नॉर्मल केबल दी है, नॉर्मल आप यूएसबी में लगाइए और नीचे ये रिमोट में लगाइए, बट इसको चार्ज नहीं किया है बाय द वे। और गाइज मेरे पास एक ये लीच भी थी जो मेरे पुराने जो मेरी एक्सेसरीज थी उससे मुझे मिली थी, इसको भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि इन्होंने दी नहीं है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आप लगा कर इसको टाई कर सकते हैं ताकि ये निकले ना आपके हाथ से। मैं ये भी आपको करके दिखाता हूँ इसके,
देखिए गाइस, ये यहाँ पर ऐसे फिट हो जाएगा। आप सपोज पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं राइट, या बंजी जंप कर रहे हैं एंड यू वांट टू होल्ड दिस स्टिक, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप हाथ में पकड़ सकते हैं। अगर आपके हाथ से ये छूट भी जाए तो ऐसे करके कैमरा नीचे नहीं गिरेगा राइट। तो काफ़ी हैंडी ये रहती है और काफ़ी अच्छा एक प्रोटेक्शन आपको देते हैं ये। तो गाइज यही थी मेरी वीडियो। अगर आपको कोई सवाल है इसके बारे में और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो 1000 रुपये में आपको ये अमेजन से मिल जाएगा। मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड मैं और भी इसका ज़्यादा यूज़ करूंगा। और अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे पूछिएगा ज़रूर एंड अच्छी लगी मुझे तो होपफुली आपको भी अच्छी लगेगा आपने ऑर्डर करी है। तो गाइज जैसे मैंने बताया था ये स्टिक हमारी है अमेजन चॉइस प्रोडक्ट। ऐसे मैंने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, लाइक एक लाइट है, रिंग लाइट है, जिसका मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीक, वो आपको मिल जाएगी वीडियो। तो वो भी और मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ऑर्डर करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑर्डर करूँ तो मुझे बताइएगा नीचे, मैं उसका रिव्यू ज़रूर करूँगा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टिल देन टेक केयर। पीस।